गुड मॉर्निंग सर। थैंक यस, गुड मॉर्निंग। सी यू सर। व्हाट्स योर गुड नेम? ओके, माय नेम इज वैभव दत्तात्रेय कानमोले। पार्डन। यस सर। हाँ सर, ओके। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मायसेल्फ, माय नेम इज वैभव दत्तात्रेय कानमोडे। आई एम फ्रॉम शेवगाव डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर इन महाराष्ट्र। आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सोनई इन 2020, विच इज एफिलेटेड टू कॉलेज एमपीके विरावरी। Why you are want RRB? Hindi question. RRB, because RRB is functioning in rural areas, especially for agriculturist farmers. I am from agriculture background. That's why I wish to join RRB. हिंदी में बात कर सकते हो आप? यस सर। यस सर। तो आरआरबी के बारे में बताइए आप। आरआरबी की शुरुआत 1975 में हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 पहले आरआरबी प्रथमा ग्रामीण बैंक थी, मुरादाबाद यूपी में। आरआरबी नरसिम्हन कमेटी के अंडर स्थापित हुई थी। आरआरबी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भागों में पहुंचकर किसानों को और बाकी सब लोगों को बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना और जो मनी लेंडर से उनका प्रभाव कम करना ग्रामीण भागों से, यही था। द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड आरआरबी। कमर्शियल बैंक बेसिकली मेजर फोकस उनका प्राइवेट प्रॉफिट के लिए होता है, और आरआरबी का ग्रामीण भागों में डेवलपमेंट के लिए होता है। और कमर्शियल बैंक में जो प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के लिए जो फंड होता है वो 40% होता है, और आरआरबी में वो 75% होता है। प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताइए। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट ने जो ऐसे कुछ सेक्टर दिए हैं जिनको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, जिसके डेवलपमेंट की गवर्नमेंट को लगता है जरूरत है, जिससे हमारे देश को भी उससे फायदा हो सकता है, जिसमें एग्रीकल्चर आता है, एजुकेशन आता है, एक्सपोर्ट आता है, हाउसिंग, और सर इतना याद है अभी। अच्छा, रोल ऑफ पीओ इन बैंक। पीओ का क्या पीओ होता का है लाइफ में, सर, बैंक में? यस सर, पीओ एक कड़ी है मैनेजर और क्लर्क के बीच की। वो उनको पीओ को दोनों काम करने पड़ते हैं। जब मैनेजर नहीं होते तो मैनेजर का भी काम करना पड़ता है। अब जब क्लर्क नहीं होंगे तो क्लर्क का भी काम करना पड़ेगा, और कस्टमर फेसिंग पीओ का मेन वर्किंग होता है बैंक में, जैसे कस्टमर से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेकिंग करना और विजिट करना। केवाईसी की आवश्यकता क्यों होती है? केवाईसी सर, हम जब लोन देते हैं तो जो कस्टमर है उनका कुछ आईडी प्रूफ चाहिए, उसलिए केवाईसी लेते हैं हम अपने कस्टमर को जानने के लिए कि वो सही में हम जिसे लोन दे रहे हैं वो हमारे पास आया वो वही इंसान है या वो अलग अलग है। इसलिए नहीं, अकाउंट खोलेंगे ब्रांच में तब आपको केवाईसी चाहिए, या आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें? केवाईसी में क्या सर हाँ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट? सर कोई भी आधार यानी कि आधार प्रूफ चाहिए, कोई भी आईडी प्रूफ जिसमें फोटो हो और एड्रेस हो। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ है, मैं लीडरशिप में अच्छा हूँ, पेशेंस है मेरे में, अडेप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है।
और हार्ड वर्कर भी हूँ, वीकनेस और वीकनेस है मेरी, मैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता हूँ और मैं कुछ रट नहीं पाता, ये मेरी वीकनेस है। आपकी हॉबीज क्या है? हॉबी सर एक्सरसाइज करना और प्लेइंग एंड वाचिंग क्रिकेट। महाराष्ट्र में कितनी ग्रांड बैंकें हैं? दो बैंक है सर, एक महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम बताइए आप। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का राज्यपाल? कोश्यारी सर, अभी पूरा नाम नहीं याद आ रहा है सॉरी, पर भगत सिंह कोश्यारी सर, सॉरी। अच्छा, सीएम कौन है महाराष्ट्र के? अभी एकनाथ जी शिंदे सर। व्हाट डिफरेंस बिटवीन चेक एंड ड्राफ्ट? चेक सर, हम चेक को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं और डीडी को हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। डीडी बैंक को द्वारा दिया जाता है और चेक पर्सनल हम दे सकते हैं पर्सनल अकाउंट से। ये माइक्रो फाइनेंस और मैक्रो फाइनेंस में डिफरेंस बताओ। अभी सर नहीं बता सकता सॉरी सर, अभी याद नहीं सर सॉरी। व्हाट डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड? सर क्रेडिट कार्ड में अभी हम सिर्फ शॉपिंग के लिए उसका यूज कर सकते हैं, हम कैश नहीं निकाल सकते, वैसे डेबिट कार्ड में हम कैश निकाल सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड में हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है और डेबिट कार्ड में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं होती। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए आप। सर पहले यूयू ललित, श्री यूयू ललित थे, अभी डीवाई चंद्रचूड़ का नियुक्तिकरण हुआ है। आज के न्यूज़पेपर की मुख्य खबरें बताइए। सॉरी सर, आज मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कोई बात न्यूज़ नहीं, कोई बात नहीं। पेपर नहीं पढ़ा सर सॉरी। FDI और FII में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन सॉरी सर, इसके बारे में FDI मुझे एंड जानकारी नहीं है। FII नहीं है। बैंक में NPA नहीं होता है, NPA के बारे में बताइए आप। यस सर, एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग असेट। यदि नॉर्मल लोन में अभी यदि 90 डेज तक रिकवरी नहीं हुई लोन की तो एनपीए में चला जाता है। और एग्रीकल्चर के लोन के मामले में यदि शॉर्ट टर्म लोन हो तो 2 सीजन के लिए उसको अवधि होती है, 2 सीजन के बाद उसे एनपीए में डाला जाता है। और लॉन्ग टर्म लोन हो तो वो उसे 1 सीजन के बाद एनपीए में डाला जाता क्लासिफिकेशन ऑफ NPA? क्लासिफिकेशन। नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं सर, भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर कौन है? सर याद नहीं आ रहा। रिजर्व बैंक के काम बताओ तीन। रिजर्व बैंक का नोट मुद्रण करना, गवर्नमेंट को भी लोन देना है और बैंकों को भी लोन देना, ये गवर्नमेंट आरबीआई बैंकों की बैंक है, और मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह कंट्रोल करना। रेपो रेट के बारे में बताइए। रेपो रेट सर, जब बैंक आरबीआई से जो लोन लेती है 90 डेज तक, उसे उस पर जो ब्याज लगता है उसे रेपो रेट कहते हैं। अभी का रेपो रेट 5.9% है। ठीक है सर। हाँ, वैभव दत्तात्रेय। यस सर, यस, कौन से एरिया से हो आप? आपने BSc कहाँ से किया? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सो नहीं, वो महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउरी के अंडर गत आती है। नहीं, ये कौन से उसमें एरिया में आती है? ये सदर्न महाराष्ट्र में है कि नॉर्दर्न में? सर सदन में सदर्न में है। अच्छा, ये विदर्भ कौन सा एरिया होता है महाराष्ट्र का? अबे वो याद नहीं सकते।
नागपुर, नागपुर विदर्भ में आता है ना। हाँ क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र की जो जो लोकल एरियाज हैं, है ना, जैसे यस आपके सतारा वाला एरिया जो है वो अलग एरिया है ना। नागपुर वाला हाँ जो एरिया आता है वो विदर्भ कहलाता है यस ना। सर यस सर मराठी बोल सकते हैं आप? यस सर ठीक से बोल सकते हैं? हो सर। हम मराठी है ना, इधर ही रहते हैं, हमारे जन्म भी इधर अच्छा, ही है। हाँ तो वो आपको बोल। अच्छा, बीएससी आपने कब किया वैभव? 2020 में पास आउट हुआ सर। 2020 के बाद में आपने जो है उसके बाद आपने क्या किया? 2020 के बाद सर बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, बैंकिंग का अगस्त प्रिपरेशन। 2020 से। अच्छा, ये आपने जैसे एग्रीकल्चर से किया, एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? सर हमारा देश कृषि प्रधान देश करके उसकी पहचान है पूरे विश्व में, और हमें सब जो खाना, सब मेजर वो फूड वगैरह हमारा एग्रीकल्चर से आता है, सब हमारा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है सर। एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना। थोड़ा फिगर्स बताइए आपकी, कितनी पॉपुलेशन हमारी है, कितना एक्सपोर्ट होता है ना, क्या हमारे जीडीपी में रोल है? वो सर वो अभी याद नहीं मेरे, अभी मुझे ध्यान मैंने नहीं आ किया रहा नहीं है। अभी तक। एक तो आरबीआई के गवर्नर जो है वो शक्तिकांता दास जी, ध्यान सर आ गया होगा वो ध्यान से गए आपको। थे ना। अभी सर ने पूछा ना आपसे यस आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक यस है, और ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। अच्छा, जरा एग्रीकल्चर यस में आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा था? सर एग्रीकल्चर में बेस एग्रीकल्चर में जो ग्रेजुएशन होता है उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होता, सभी सब्जेक्ट होते हैं 4 साल के लिए। अच्छा, तो आपने जैसे एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, यस सर एनिमल हस्बेंड्री में जरा गाय की जरा दो तीन ब्रीड्स बता दीजिए। सर गीर है, और हमारे इंडियन में गीर है, जैसे कि अमृत माल और ड्राफ्ट पर्पज के लिए यूज की जाती है, खिलाड़ी महाराष्ट्र में ड्राफ्ट पर्पज के लिए यूज की जाती है, और गावलाव इधर महाराष्ट्र में, और एक गाय है सर देवनी और डांगी करके, वो मिल्क पर्पज के लिए यूज की जाती है। वो मिल्क पर्पस के लिए यूज सहीवाल किया। या आपने राठी, साहीवाल हाँ वगैरह सुना? सुना यस सर ना, थार पारकर। यस सर थारपारकर सहीवाल वो मिल्क पर्पज के लिए होती है सर। वो मिल्क पर्पस के लिए होती है। हमारा उद्देश्य मिल्क पर्पस ही था। अच्छा, जरा ये बताइए, जरा गाय और भैंस के दूध में क्या फर्क है, बेसिक डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस सर फैट का डिफरेंस होता है, गाय में कितना परसेंट गाय होता का है? फैट ओवरऑल 3.5% के अराउंड होता है फैट गाय में, थ्री पॉइंट फाइव परसेंट और भैंस में भैंस में? 5% के अराउंड होता है, 5 to 5.5%। 5 to 5.5%, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। हाँ हो सकता है सर, पर एवरेज हो जा हो सकता है। अच्छा, ये यस सर। आपने जैसे फार्म पॉन्ड्स की, वहाँ महाराष्ट्र में इम्पोर्टेंस है क्या फार्म पॉन्ड्स? यस सर फार्म पॉट्स किए जाते हैं सभी महाराष्ट्र में, सभी जगह पानी के पानी नहीं है, जैसे आपने कहा विदर्भ, विदर्भ में वो पानी की बहुत टंचाई है ना रहती है, हाँ पर हाँ उधर फार्म पॉट्स की बहुत जरूरत रहती है। नहीं, ये जैसे वाटर कंजर्वेशन आप जानते हैं क्या होता है, तो यस सर यस सर वाटर कंजर्वेशन के लिए आपका क्या सजेशन है? अगर आप मान लीजिए आप एज ए पीओ सेलेक्ट हो जाते हैं, आपके हाथ में यस फाइनेंशियल सर पावर्स रहेंगी, तो आप क्या इनोवेटिव आइडिया लेकर गएंगे वाटर कंजर्वेशन के लिए? सर एक तो जो सब करते हैं वो है, पर वो लोग अडॉप्ट नहीं करते वाटर हार्वेस्टिंग और फार्म पॉन्ड का, तो वाटर हार्वेस्टिंग हम जो जो छत के ऊपर पानी है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करके हम उसे यूज कर सकते हैं, और फार्म पॉन्ड के लिए हम बैंक से लोन देकर उन्हें फार्म पॉन्ड के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, और
फार्म पॉइंट का, उन्हें दो टाइप से यूज हो सकता है, एक अच्छा में वो पानी भी यूज कर सकते महाराष्ट्र हैं। में जो है अभी कौन सा डैम, आप जरा दो डैम्स के नाम बताइए जो जैसे पानी की उसमें इरिगेशन में काम आते हैं, या अदरवाइज भी यू टेल मी टू नेम्स ऑफ डैम्स। और एक मुळा डैम है सर, वो अहमदनगर में ही है, और एक पैठण तालुका में है जायकवाडी डैम करके। कौन से रिवर्स पे है ये? सर प्रवरा रिवर और मुळा रिवर पे। हाँ प्रवला और मुरा। अच्छा, वहाँ का मुळा सोइल, मुळा सर रिवर पे मुळा डैम है। जब वहाँ का सोइल स्ट्रक्चर क्या है? ब्लैक सॉइल स्ट्रक्चर ब्लैक सॉइल सर। सोइल्स हैं, तो ब्लैक सोइल्स में आपकी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? सर मेजर क्रॉप तो कॉटन है खरीफ में, और रबी हाँ में वीट वगैरह लिया जाता है। वीट कॉटन लेते है, वीट रबी में वगैरह। वीट हाँ लेते हैं। यस सर। ये NIBM कहाँ है महाराष्ट्र में? हाँ NIBM? नहीं सर, मालूम नहीं सर। NIBM जानते हैं, नहीं सर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। ओके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट सर, पुणे थैंक में यू। है यस सर, थैंक यू सर। ना? यस। तो ये बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ना पुणे में, जिसमें बैंकर्स के लिए, दिस इज एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग टू द बैंकर्स, समझ रहे ना? ओके सर। अच्छा, जरा वीट की दो वैरायटीज बता दीजिए जो आपके महाराष्ट्र में चलती होंगी। अभी सर वो हमारे इधर वैरायटी का मतलब वो कंपनी से होता है सर, नहीं, कंपनी से कंपनी का होता है, बट यूज होता है अंक। एज देखिए आप एग्रीकल्चर के हिसाब से आप बैंक में आ रहे हैं, तो आपके फार्मर्स आपके पास आकर के पूछेंगे, तो आप क्या बताएं, क्या सजेस्ट करेंगे उनको? बिकॉज आपने ग्रेजुएशन जो है भी 2020 में किया है। यस सर, वो मैं देख के लूंगा हमारे एरिया में कौन से वैरायटीज है, पर वो मैं वैसे भी दो वैरायटीज आपको बता सकता हूँ वीट की। वो लेयर मारो जो करके एक है, और चलिए, एक सॉरी सर अभी याद रत्नागिरी में नहीं। क्या, रत्नागिरी में क्या खास बात है? हापुस उस रत्नगिरी से आपूस आम भाई सर। आम है। हाँ और नासिक में, नासिक में क्या होता है? ग्रेप सर, नासिक में सिटी ऑफ ग्रेप्स होते ग्रेप्स। हैं। गुड 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 गुड। अच्छा, ग्रेप्स में जो है आपके वहाँ उसके उससे जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको, वो क्या किस काम में आता है? ग्रेप सर वो वाइन के लिए भी यूज करते हैं नासिक में, यस यस, आना वाइन फैक्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है और नासिक को। अभी ये सर नासिक में, वो नासिक में कौन सी रिवर है? नासिक में सर अभी याद नहीं नासिक में बहुत फेमस रिवर है भाई, आपने महाराष्ट्र की जो है, आप उसको ध्यान करिएगा। नासिक में कौन, नासिक गए हैं कभी आप? नहीं सर अभी तक नहीं गया। नासिक जाना आपका नहीं हुआ ठीक है ना? ठीक है, ठीक है वैभव, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बी इन रेडीनेस। आपका कब थैंक है यू सर। इंटरव्यू? सर इंटरव्यू कब 16 को आपका? है, 16 तो कहाँ होगा, 16 16 कहाँ होगा? यही औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद में। यस ओके, विश यू यस ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू सर। राइट। सर कोई डेवलपमेंट की जरूरत है क्या नहीं, डेवलपमेंट कुछ नहीं, कुछ आपकी तरफ से? हैव ए स्माइलिंग फेस, योर फेस एज इफ यू आर वेरी सीरियस एट दिस पॉइंट ऑफ हाँ टाइम। यस सर, थोड़ा यस यस यस। एंड करंट ये सर अफेयर्स में थोड़ा जैसे आपका टेंशन हो रहा RBI, भाई था। RBI के गवर्नर हैं वो रहे, ये आपको वैरायटीज के बारे में, ब्रीड्स के बारे में यू शुड हैव वेरी क्लियर नॉलेज अबाउट दिस, ठीक है ना? कहाँ क्या है क्या नहीं है, ओके जैसे सर, मान लीजिए नासिक में कौन सी रिवर है, तो इसको अगर आप ध्यान करिए, नर्मदा नदी है वहाँ, है ना? ओके सर, तो हाँ, तो ये सब चीज़ें थोड़े से आपके जो है ये एब्रप्टली आपको ध्यान में रहनी चाहिए, है ना? अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड, राइट? ओके तो सर, ओके, वंस अगेन विश ओके यू ऑल द सर, बेस्ट। हाँ।
हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।